हेलो ऑल, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर। ओके, सो लास्ट क्लासेस में जैसे हमने देखा था कि किस तरीके से शेप एडिटर को हम यूज करते थे और किस तरीके से हम बेसिक शेप्स को बना सकते हैं, क्या उसका स्केलिंग पॉइंट है, किस तरीके से हमें लिमिट टू हाइट यूज करना है, एंगल क्या रखना है, वो अभी आगे और चल के हम देखेंगे। और नेक्स्ट थिंग जो आता है आपका कि किस तरीके से हम लेयर को फंडामेंटल को हमें समझना है। ओके, सो अभी क्या है, वॉल पैनल्स में जो चीजें होती हैं वो आप एक ही लेयर पे कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हम आगे इन एडवांस लेवल का जो वर्क करेंगे तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि किस लेयर को किसके साथ एडजस्टमेंट लेके चलना है। ओके, सो अभी और आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं कि आज शेप एडिटर को और डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या उसमें बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं कि आप जो ऑब्जेक्ट्स है उसको किस तरीके से यूटिलाइज बना सकते हैं, जैसे ये एक वॉल पैनल बना हुआ है। ओके, इस वॉल पैनल में थोड़ा सा एक दूसरा टूल भी यूज होगा। इसमें क्या है कि देखो, एक एंगल बना हुआ है, यानी कि स्लांट एंगल बना हुआ है, वन साइड अप वन साइड डाउन, और एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बाकी का आपका सब सिमिलर जा रहे हैं। ओके, तो हमें अब देखने वाली बात यह है कि इस मॉडल को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर एक चीज तो यह है कि इस तरीके के मॉडल जो होते हैं, अगर आपको स्लांट इमेज मिल रही है तो कोशिश करो कि वो सीधी हो जाए। तो उसको सीधी किस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद फोटोशॉप कर देते हैं। यहाँ पे फोटोशॉप में एक टूल होता है छोटा सा जो हमारे लिए काम का होता है, बाकी हमारे लिए सॉफ्ट फोटोशॉप में कुछ ऐसा काम नहीं करना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फोटोशॉप में इस इमेज को हम कैसे सीधा बनाएंगे। अगर कोई एंगल्ड इमेज है, यानी कि थोड़ा बहुत टेपर में किसी ने इमेज दे रखा है, उसको किस तरीके से हम सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, फोटोशॉप ऑन हो गया है, अब हम इसको यूटिलाइज करेंगे किस तरीके से हम इस इमेज को सीधा करेंगे। लेकिन एक कंडीशन और भी है फोटोशॉप की कि एक लिमिट तक ही सीधा करता है। ठीक है, एक लिमिट तक, बहुत ज्यादा एंगल अगर हुआ तो फिर नहीं करेगा। यहाँ पे टूल होता है प्रस्पेक्टिव क्रॉप एंगल, क्रॉप टूल, तो क्रॉप टूल पे क्लिक करो। अब मान लो कि जैसे आपको यहां से चाहिए, यह मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं इसको, ठीक है, और यहां से टॉप में चाहिए मेरे को इस तरीके से, ये मैंने यहां से कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि ये जो एंगल बैठ रहा है, इस एंगल को इस तरीके से बिठा देता हूं और यहां से भी इसका लेवल में लेके आ जाता हूं इसको इस तरीके से। ठीक है, मैंने ये एक एंगल बना दिया, तो देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसका कीबोर्ड का एंटर प्रेस करूंगा तो देखता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट सीधा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई बहुत ज्यादा सीधा नहीं हुआ है क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर भी हम इसे क्या है कि एक काम चला सकते हैं कि हाँ, हमें ये पता चल जाएगा कि भाई एक लाइन जो बन रही है वो कैसे बनेगी, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पे अपनी खुद की क्रिएटिविटी यूज करना है। इमेज को सेव करता हूँ मैं, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और हमारी जो क्लास है उस क्लास के इनसाइड में इसको रखा और इसको ओके करके इसको सेव कर दिया, इसके डुप्लीकेट। ओके, तो ये सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करना है। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि मैं कोई एक इमेज लेता हूँ जिसको आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये किसी ने हमें इमेज दे दी, ठीक है, इस तरीके का इमेज आ रहा है, या फिर ये इमेज है। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ इसमें एक सीधा ही पार्ट चाहिए, ये वाला एंगल आ रहा है इसमें हल्का सा, तो इस एंगल को ही मेरे को सीधा करना है। तो मैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, उसके बाद मैं इसको बिल्कुल सीधा लूंगा और यहां से यहां तक इस तरीके से, ठीक है, इसको हल्का सा मैं ऊपर की ओर खींच दूंगा, ठीक है, और इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब देखिएगा आपका ये सीधा डोर हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरीके से आपको काम करना है। मैं इसको यूटिलाइज जो करता हूँ वो इसीलिए यूटिलाइज करता हूँ कि हमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से बन जाए। या मान लो इस तरीके की कोई जाली है, देखो जैसे ये डोर है। अब इस डोर में अपने को मान लो कोई एक पर्टिकुलरली हिस्से को, ये तो बहुत एंगल है, इसी को मेरे को पूरा बनाना है या फिर पूरे दरवाजे को ही सीधा करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा फिर इस तरीके से इसमें एक एंगल बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने यहां से यहां तक एक एंगल बनाया और यहां से इसको फिर मैं इस तरीके से सीधा करूंगा। अब यहां पे देखूंगा कि क्या हिस्सा आपका बाहर निकलना चाहिए था, क्या अंदर है, यानी कि ये हिस्सा आपका और बाहर आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको एंटर प्रेस करते तो ये देखिएगा सीधा हो गया मेरा इमेज। तो हम यहाँ पे इस पे काम चला सकते हैं, हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें इस तरीके से है, बट बहुत ज्यादा अगर एंगल रहे इमेज में तो हम फिर नहीं बना सकते, बट बेसिकली ये हम नॉर्मल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम आर्ट कैम को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम मान लो कि एक मॉडल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने विड्थ कर दिया यहाँ पे 60 और हाइट कर दिया मान लो मैंने, मान लो 30।
और इसको ओके कर दिया। अब इंचीज में और रेजुलेशन आप देख सकते हो 100% था, तो हमारा मॉडल ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर बनाना है। ये वेक्टर किस टाइप का है मैं आपको दिखा दे, हेक्सागोन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 शेप से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2D व्यू में आ जाइएगा, और 2D व्यू में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्रिएट पॉलीगन टूल, यहाँ पे 4 की बजाय हम कितना कर देंगे 6, और यहाँ पे सेंटर से आप एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा। अब ये देखो आपका छोटा बड़ा नहीं, बिल्कुल लेवल का बन रहा है आपका, ठीक है। मैंने इतना लिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है, ये मैंने लिया। बट इसको ऐसा नहीं है, ये हल्का सा इधर से, ये वाला जो हिस्सा ये टेपर में है, तो इसको कितना डिग्री का हम घुमाएं कि अपना वर्क कर जाए, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो 60 के एंगल पर रोटेट मारता हूं, तो आपका टेपर्ड हो गया है ना, तो हम कितना घुमाएंगे इसको 30, 30 आप करिएगा, आपका सीधा हो जाएगा, ये देखिए हो गया, ठीक है। हमें यही तो चाहिए। अब इसी के ऊपर तो दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से रखा हुआ है, एक इधर टाइप है एक इधर टाइप है, तो एक ही बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहां पर देखो एक चीज और दिख रहा है आपको, हल्का सा यहाँ पर टेपर नजर आ रहा है, ये देखिएगा दोनों के बीच में। तो हम एक ऑफसेट लगा लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं एमएम में, और एमएम में करने के बाद यहां पे हम इसको एक ऑफसेट लगा देते हैं, मान लो कि 10 mm का एक ऑफसेट लगा देता हूं। यहां पे डिलीट ऑब्जेक्ट वेक्टर है, इसको मैंने ऑफ कर दिया, यहां से मैंने इसको एक 10 mm, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम इसको मतलब 4 mm का ऑफसेट मार लो आप, ठीक है। ये हमने 4 mm का ऑफसेट मार दिया। 4 mm का ऑफसेट मारने के बाद अब हम क्या करते हैं, 3D व्यू में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एंगल बना हुआ है, बट हमारे पास शेप एडिटर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली एंगल दे देगा, लेकिन ये टेपर मेंटेन कर देगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेप एडिटर में आते हैं। शेप एडिटर में आने के बाद मान लो मेरे को 10 mm का बनाना है, 15 mm का बनाना है, तो 5 mm का तो ये टेपर चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर में जाऊंगा और लिमिट टू हाइट में जाके मैं यहाँ पे 5 mm डाल देता हूँ टेपर में। तो 5 mm से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके एंगल को थोड़ा बढ़ा देंगे। जब एंगल को हम बढ़ा रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, टेपर में आ गया, ठीक है। ये 5 mm हो गया आपका, बस सब्ट्रैक्ट है, इसको ऐड करिएगा, ऐसे घुमा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 mm है, ठीक है, ज्यादा लग रहा है मुझे, यहाँ पे मैं इसको 2.5 कर देता हूँ, ठीक है, 2.5 कर दिया। अब एंगल को मेरे को कम करना पड़ेगा, 45 करके देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 45 कर दिया। अभी और एंगल कम करना पड़ेगा मुझे, इसका 40 कर देता हूँ, ठीक है, 40 पे भी कम है, इसको और कम करो। देखो इस वेक्टर से हमें ये पता चल रहा है कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो 32 पे हमने ये रखा, और उसके बाद ये कितना है, 2.5, मैं 10 mm का, तो इसको कितना कर देता हूँ, 7.5, ठीक है, ये 7.5, तो टोटल मेरा 10 mm हो गया, ठीक है। 10 mm होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये है कि जी ऐसा थोड़ी है, ये तो वन साइड डाउन है वन साइड अप है। हाँ जी, वन साइड डाउन है वन साइड अप है, तो हम कर रहे हैं उसको, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है डायरेक्टली। तो हमने क्या किया, पहले इसकी बेस बनाया। अब हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है जिसको बोलते हैं हम फेड रिलीफ। फेड रिलीफ में क्या होता है कि आपके पास दो अमाउंट होती है, ठीक है, कि आप उसके एक्स और वाई को कितना आप अप एंड डाउन रखना चाहते हो। तो लेफ्ट साइड की जो अमाउंट है ये आपकी हाई होती है, और जो राइट साइड की जो अमाउंट है वो आपकी लो होती है, ठीक है। ये आपका क्या करते हैं, इसने बिल्कुल जीरो कर दिया, बट हमें यहाँ पे बिल्कुल जीरो नहीं करना है जी, हमें हल्का फुल्का इसको ऊपर भी रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी एंगल में इसको बाहर की ओर खींच देता हूँ थोड़ा सा। तो अब आप देख सकते हो ये आपका टोटल 3 mm हो गया। अगर कोई बोलता है कि नहीं यार इसको थोड़ा और उठा दो, 5 की समथिंग रख दो, तो और थोड़ा सा आप इसको बैक में लेके आ जाओ, ठीक है, मान लो हल्का सा और ले लेते हैं, बस दैट्स इट, ज्यादा नहीं हल्का सा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 4.5 के समथिंग हो गया है। अप्लाई करेंगे तो, अप्लाई करेंगे तो, और नीचे एक प्रोसेसिंग चलेगा, वो कैलकुलेटिंग हो चुका है आपका, और इसको कैंसिल कर दिया जी। ये बन गया आपका एक टूल, ये देखेगा, यही तो है हमारे पास। अब हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को उस साइड में भी डुप्लीकेट करना है। तो आप दोबारा ना बना के, क्योंकि एक ही सेम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक टूल होता है जिसको बोलते हैं कुकी रिलीफ कुकी कटर, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। इसमें क्या करना है, बिना कोई वेक्टर को सिलेक्ट किए आपको क्लिक करना है या कंट्रोल टी दबाना है, तो ये आपका मैश बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, क्योंकि हमें तो ये वाला चाहिए। पूरे को सिलेक्ट ऐसे करेंगे, ठीक है, तो सिलेक्ट हो गया। अब मिरर ऑब्जेक्ट में आएंगे, और मिरर ऑब्जेक्ट में आने के बाद इसको टॉप साइड में कॉपी कर दिया। अब आप देख सकते हो कि एक अप है और एक डाउन है, ये देख सकते हो, ठीक है जी, ये हल्का सा गैप है, बट मशीन यहां तक घुसेगी नहीं है आपका, ठीक है।
तो और एक चीज और याद रखना, जब भी आप कुकी पे काम करेंगे तो कुकी कभी भी आपको 3D में काम नहीं कराना, नहीं तो आपकी हैवी हो जाएगी। अब आप क्या करें, कंट्रोल के साथ इस वाले पॉइंट पे जैसे क्लिक किया, इसके पॉइंट पे इसके साथ मैच करा दिया, बन गया आपका। तो मैं 1 मिनट के लिए दिखा रहा हूं आपको, नहीं तो मैं करूंगा नहीं इसको, ये देखेगा, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, इस तरीके से हमें करना ही है। ठीक है, सेम अमाउंट आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब 3D 2D व्यू में आ जाओ आप, और इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से अब आगे की ओर बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि कुकी अगर आप 3D में आप कुकी को कॉपी पेस्ट करने जाएंगे तो आपका सिस्टम बहुत हैवी हो जाएगा, हैंग मारने लग जाएगा। ठीक है, तो बी केयरफुल कि हमें जब भी कुकी पे काम अगर आपको कभी करना है तो आप 2D व्यू में ही करें, 3D व्यू में ना करें, उसको इग्नोर करें, बस आपको शेप को मेंटेन हो जाए आपकी। तो शेप अगर आपने एक बार सही से रख दी तो फिर आप प्रॉपर तरीके से उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से बिट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बिट कितना mm, तो 0.0 mm का तो कभी कोई बिट चलेगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें इस चीज के लिए। यहाँ पे हमने F9 कर दिया। ठीक है, और यहां से अगर मान लो मैं एक बार और कॉपी लेता हूँ इस पूरे की, तो हमारा क्या होगा, पूरा कॉपी हो जाएगा। ले लिया, और इसको अगेन हमने क्या किया, F9 कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब आपका जैसे भी शेप है उस हिसाब से आपकी शेप कटिंग हो जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या है कि इस ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप जो बाहर जो ऑब्जेक्ट निकल रहे हैं उनको आप डिलीट कर दें, नहीं तो क्योंकि कुकी जो होती है उसको पेस्ट करने में सिस्टम टाइम लगाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बाहर रखा। और ट्रांसफॉर्मेशन टूल में जब आएंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे एक नया ऑप्शन जुड़ गया, रिलीफ क्लिप आर्ट। अगर मैं वेक्टर को ही पकड़ता हूँ तो आप देखेगा अब आपको ऑप्शन नहीं नजर आएगा वो रिलीफ क्लिप आर्ट का, लेकिन जब आप इस पूरे को पिक कर लेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन टूल में जाएंगे तो यहाँ पर रिलीफ क्लिप आर्ट आएगा, उसके आप पेस्ट करेंगे, अब ये आपका क्या हो जाएगा जी, पेस्ट होने लग रहा है। तो जैसे जैसे ये पेस्ट हो रहा है तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका डुप्लीकेट बनता चला जाएगा और उसमें येल्लो कलर में पेस्ट हो जाएगा। तो जो भी हमारा वर्क होता है लाइव प्रोजेक्ट्स पे, आपकी क्लासेस चलती हैं, आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, तो इसको कंप्यूटर के थ्रू जो भी वर्क होगा वो प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर कराया जाता है। हम वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको किस तरीके से इस पे वर्क करना है। अब देखिएगा जब तक ये कॉपी पेस्ट हो रहा है हम कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये मैंने बना रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो कि किस तरीके की शेप है, इसको समझना पड़ेगा। देखो इधर से बिल्कुल राउंड है बट इस साइड देखिएगा एक टेपर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर आ जाते हैं, देखो इधर भी एक शेप बनी हुई है, देखो राउंड शेप है तो लेकिन दोनों में एक दूसरे में अटैच है। ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रिप्स में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बनाना है, ये भी बहुत ईजी है, बहुत हैवी नहीं है, इसमें भी एक ही फंडामेंटल बनेगा और वही आपका सिमेट्रिकल लेवल पे जाएगा। जो हमने डाउन साइड किया था प्रीवियस क्लास में वही चीज आपकी यहाँ पे अपसाइड में आएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। ओके, ये बीच में से डाउन नहीं है, तो इसको भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका पेस्ट होने में ये क्या है, थोड़ा टाइम लगा रहा है जिसकी वजह से हम वेट करते हैं, तो लेट्स सी। तो जो भी वर्क है ना वो अपने को देखना है कि किस तरीके से अपने को उसको यूटिलाइज करना है और क्या अपने को बनाना है, बस इतना सा माइंड में आप सेटअप रखिएगा, देन उसके बाद आपका वर्क हो जाएगा प्रॉपर तरीके से कि क्या ऑब्जेक्ट पे अपने को यूटिलाइजेशन लेनी है, कैसे टूल्स बनाना है। बहुत ईजी सा सॉफ्टवेयर है, बहुत हैवी नहीं है, और देखो हर चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि किस टूल को कहाँ पे यूज करना है और क्यों यूज करना है। मेन फंडामेंटल ये है, बिकॉज हम जब भी कोई इमेज देखते हैं ना तो वहां पे हमें यही चीज समझना होता है कि कौन से टूल से हमें यूज करना है, कौन से टूल से ये इम्बोसिंग इफेक्ट बनाना है, और उस कंडीशन में हमें वेक्टर कैसा बनाना है।
ओके लाइक शेप एडिटर है तो क्लोज, या फिर कोई ऐसा टूल है जिसमें ओपन वेक्टर बनते हैं तो हम उसको ओपन वेक्टर से बनाएंगे। सो ये डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस के ऊपर और या मॉडल के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप मॉडल बनाएं तो जब भी क्लाइंट से या पार्टी से ये कंफर्म कर लेंगे कितना एमएम का डेप्थ रखना चाहती है पार्टी, ठीक है, क्योंकि आप डेप्थ अगर ज्यादा दे देंगे और पार्टी उसको कम में कट कर रही है तो डिजाइन आपका फ्लैट हो जाएगा। सो ये आप बी केयरफुल रहें कि कितना डीप पे आपको काम करना है, क्योंकि डीपनेस ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई मैंने मॉडल बना दिया आपका 100 mm पे या 75 mm पे या 50 mm पे, जबकि मुझे वो मॉडल निकालना है 20 mm से ही कम पे, तो डिजाइन को जब हम स्केलिंग मोड में लेके आएंगे तो डिजाइन मेरा वो सर फ्लैट हो जाएगा और वहां पे मेरी जो मेहनत है वो सब खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट्स को हम जब भी बनाएं तो प्रॉपर तरीके से उसकी डीप को पहले चेक कर लें, तभी जाके उसको हम यूटिलाइजेशन में लें। अब देखिएगा आपके पास ये स्क्रिप्ट ऑप्शन आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत सारे थे तो मैंने उसको यस कर दिया। जैसे यस करूंगा तो लेटर ऑन आपका वर्क ये कंप्लीट ले लेगा। पेस्ट हो चुका है, ये वेक्टर वेक्टर रह गया आपका, जो ब्लू कलर का ऑप्शन था वो आपका रिलीज हो चुका है। यहाँ पे हम 3D व्यू में आएंगे, वेक्टर्स को ऑफ करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था वो ये है मेरा, ये देखिएगा, ये वॉल पैनल है वो मेरा, ये देखिएगा। अब यहाँ पे आपकी कितनी अमाउंट आ रही है आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये आपकी 8.81 आ रही है। हमें कितनी चाहिए थी, ठीक है 10 चाहिए थी, तो हमने 10 कर देते हैं, ये हमारी 10 हो गई, ओवरऑल हमारी 10 हो चुकी है। और अब हमारे यहाँ से देख सकते हो कि अपना प्रॉपर तरीके से वर्क हो चुका है, ये देखिएगा, ये एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, ठीक है। लेकिन अगर आपको और ज्यादा उठाना है और ज्यादा करना है तो डिपेंड करता है। देखिएगा अभी यहाँ पे हमारे कटिंग जो हमारे पास है ना वो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है बराबर ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, यानी कि कितना है, 4-6 mm का डेप्थ हो गया। तो बट मेरे को चाहिए 12 से 15 mm, बट जबकि मेरा डिजाइन कितना बैठ रहा है, अभी इतना ही बैठ रहा है, तो इसको मैं और ज्यादा डेप्थ दे दूंगा क्योंकि मटेरियल तो मेरे पास अभी भी है ना, मटेरियल मेरे पास अभी भी है। तो मैं इसको एक बार यहां से कुकी बना देता हूँ पूरे को, ठीक है। कुकी बनाने के बाद इसमें क्या है, नीचे की साइड भी कुछ जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से ये गायब हो रहा है। इसको मैं वापिस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब स्केलिंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अब यहां से मैं इसको, ठीक है, मान लो 15 mm कर देता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो डेप्थ ज्यादा आ गई। तो यहाँ पे कटिंग एरिया 15, इसको अप्लाई करो और कैंसिल करो, ठीक है। यहाँ पे कितनी दिखा रहा है आपको, ठीक है 19, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको इस तरीके से अब देख सकते हो आप ऑब्जेक्ट में कितनी डिटेलिंग आ रही है। तो ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि किस तरीके से मुझे इसकी डिटेलिंग देनी है, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें उसको यूटिलाइजेशन लेना है और उस चीज को हमें समझना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट के साथ हमें यही बिहेव करना पड़ेगा, इसी तरीके से हमें उसको यूटिलाइजेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है क्लियर। तो इस तरीके से आप इस वॉल पैनल को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। क्लास 8 सेव करा, सेव होने देते हैं। मॉडल को रिसेट कर देते हैं, क्लोज मॉडल कर दिया हमने। अब मान लो कि आपको ये वाली इमेज पे वर्क करना है, ठीक है, इस वाली को देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखो ये क्या है, बनेगा तो शेप एडिटर की ही तरह, लेकिन यहाँ पे आपका ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 500x500 है, इसको ओके कर दिया। और सबसे पहली चीज तो रेजोल्यूशन को हाई करेंगे, दूसरे नंबर पे आ जाओ आप, ठीक है। 2D व्यू में यहाँ पे देखो एक स्क्वायर अगर आप बना लेते हैं तो बाकी का अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट से के एक स्क्वायर बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो सेम अमाउंट डालना है, 129, 129 का अमाउंट हमने रेडी कर दिया, ठीक है। इसका एक हाफ पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले हमें, तो ये मैंने इसका हाफ पॉइंट निकाल दिया, ठीक है, ये मैंने हाफ पॉइंट निकाल दिया।
अब क्या है कि अपने को यहां से दो कॉर्नर टू कॉर्नर हाफ पॉइंट ले लीजिएगा। देखो बनाने की ट्रिक्स है और कुछ नहीं है, बाकी का बहुत इजी सा फंडामेंटल है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता हूं या फिर एक हाफ कॉर्नर टू कॉर्नर बनाता हूं तो मेरा उससे भी बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसको हाफ एंगल पे लेके देखते हैं। इससे तो नहीं बनेगा, मेरे को कंफर्मेशन पता है कि इससे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपकी एक बार संतुष्टि के लिए आप कैसे ट्राई करेंगे, वो चीज अपने को कैसे ऑब्जेक्ट पे पकड़ना है वो चीज अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये लिया मैंने, यहाँ पे शेप एडिट से पकड़ता हूँ तो आपका एंगल ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ये देखिएगा। ठीक है, ये राउंड शेप नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक और टूल भी है जिसका नाम है आपका यहाँ पे, ठीक है, बेवल्ड टूल, 3D बेवल टूल है। अभी ये छोड़ दिया मैंने, ये इसको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जब भी वॉल पैनल के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं अपन, तो मैं क्या करता हूँ, वॉल पैनल पे आया और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास कॉनकेव। कॉनकेव को लिया मैंने और यहाँ पे मान लो इनर अमाउंट मैंने डाल दिया 10 mm, 10 mm डाल दिया। तो देखो ये वाली जो चीज है ना वो आपकी राउंड शेप में तो हो गई, बट इधर से भी हो रही है। तो इधर से अगर मुझे ये खत्म करनी है तो फिर कैसे करूंगा, तो यहां से खत्म करने के लिए तरीका ये है आपके पास। एक बार शेप्स को और देख लेते हैं क्या है। हाँ, एंगुलर एंगल ही बन रहा है हमारे पास इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिया हमने। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका क्रिएट कर्सर सिलेक्ट विद कर्सर। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास कर्सर आ गया। अब इस कर्सर को पकड़े और पीछे की ओर लेके आ जाए। ठीक है, तो जैसे जितना आप बैक साइड में लाएंगे आपका ये एंगल बनता हुआ चला जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका, ठीक है, इस तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल है, ये देखो यहाँ से इस तरीके से ये राउंड है, ये राउंड है आपका। ठीक है, बट अगर मान लो इसको स्मूथ के साथ लेना है, ठीक है, तो ये स्मूथ में आपको इस तरीके से है, देखो ये, देखो ये स्मूथ में आ गया। तो जैसे भी ऑब्जेक्ट में आप बनाना चाहें, कॉनकेव में बनाएंगे तो कॉनकेव में बन जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की शेप नहीं आएगी फिर। ठीक है, वो स्मूथनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो स्मूथनेस के लिए आपको यहाँ पे अगर लीनियर करेंगे तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहेगा, ये एंगल में देखो चेंज हो गया। ठीक है, बट अगर आप इसको कॉनकेव में बनाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक हल्की सी शेप नजर आ रही है मेरे को, ये देखो। ठीक है, बट यहाँ पे एक बार चेक करते हैं इसको हल्का सा फिर से, यहाँ पे एंगुलर डिफरेंट है। तो हमारे पास सीधा सिंपल सा फंडामेंटल फिर क्या लेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहां से पहले हम इसको एंगल वाइज उठा देंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं, ये उसी टूल से बनेगा, यहाँ पे देखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बस अपना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसी को पकड़ लेते हैं और इसी टूल से बनाओ इसको। कॉनकेव ले लिया मैंने, सिलेक्टेड वेक्टर ले लिया, इसको 10 mm कर दिया मैंने और यहां से हम इसको, यहाँ पे डिस्प्ले बिट मैप करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल बन रहा है, हम थोड़ा बैक कर लेंगे। देखो हर चीज के लिए एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या बना लेंगे, कुकी बना लेंगे। कुकी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एंगल को पकड़ लेंगे और यहाँ से स्लांट विद ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, स्लांट विद ऑब्जेक्ट, ये देखिएगा आ गया। इन दोनों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसकी हम क्या कर देंगे यहां से मिरर और इसको एक बार बॉटम कर देते हैं। देखो टाइम लगा रहा अभी कॉपी होने में, जबकि यही चीज 2D में होता तो हमारा इजीली वर्क हो जाता। ठीक है, एक बार पकड़ के इसको सेव करके देखते हैं हम लोग। ये हल्का सा है इसमें टेपर, ठीक है, हल्का सा इसमें टेपर है। ये देखो। ठीक है, अब बस अब कुछ नहीं करना आपको, इस पूरे को कुकी बनाऊं और मिरर मिरर करते हुए चले जाऊं, बस दैट्स इट। बस पूरे को टॉप में ले लिया, यहां से इसको बॉटम कर दिया, ये देखिएगा। बस पूरे को सिलेक्ट करो और पेस्ट मार दो।
तो जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है जिसको आप इसको इजी तरीके से आप डेवलप कर सकते हो और इजीली उसको बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट और है, इसको चारों साइड से राउंड और बीच में से हम कर सकते हैं, वो भी आप देख लो पहले एक बार इसको। ठीक है, ये इस तरीके से देखो बन गया, आ गई शेप, ये देखो पता भी नहीं चलेगा आपको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये देखो पूरा का पूरा शेप एक दूसरे में मर्ज होता हुआ चला गया, ये देखो। ठीक है, और ये बीच में से कटिंग भी हो गया बिल्कुल राउंड शेप में, ये देखो। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी अप होते हुए चले जाएंगे। तो ये कंडीशन से हमें जो देखनी है और जिसके लिए हमें वर्क करना है, ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट को इस तरीके से डेवलप करते हुए आपको चलना है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में अगेन हम देखेंगे कि किस तरीके से, अब मैं यहां से आगे जब चलूंगा, अब टू रेल स्वीप पे हम आगे चलेंगे। ठीक है, H2 टूल पे चलेंगे। अब थोड़ा सा आपके पास वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, और टू रेल स्वीप में किस तरीके से मॉडलिंग होती है, यानी कि बेसिक जो पार्ट है ना वो आपको इस तरीके से डेवलप करना है, लेकिन रैंडमली जो वर्क है वो आपको क्रिएटिवली जो वर्क है वो टू रेल स्वीप, H2 टूल, शेप एडिटर, इन तीनों चारों टूलों को हम कंबाइन में डालेंगे तो हमारा वर्क बनेगा। अभी तक क्या ये सिमेट्रिकल है, एक एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया और उसको सिमेट्रिकल में डाल दिया, सो दैट्स वेरी इजी। ओके, नो ते हार्ड पार्ट। ठीक है, लेकिन हम जब भी आगे चलेंगे तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने को वर्क करना है आगे। ओके, क्लियर? तो चलो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।